आपको लेनी है लहसुन की 7 कलियां, इसे भूनकर थोड़ा सा जला लेना है। चाहे पेट बाहर निकला हो, चाहे हो कमर पे चर्बी, चाहे हो हाथों के नीचे चर्बी या पैरों के पीछे चर्बी, इन भुनी हुई 7 लहसुन की कलियों को आप सुबह में निहार मुख खाते चले जाएंगे। आपका खून इसके जरिए से पतला होगा, खून का दौरानिया भी बेहतर होगा और कोलेस्ट्रॉल भी कम होगा, यानी कि आपके खून का दौरानिया तेज होता चला जाएगा, यानी कि जिस्म में खून भी पतला होगा और आपकी चर्बी भी पतली होकर जिस्म से खारिज हो जाएगी। मैं डॉक्टर फवाद आरतानी, रोशनी वाला आपका रूहानी मॉलेज, आपका रूहानी उस्ताद फ्रॉम roshnicenter.com। आपको जो 7 कलियां लहसुन की लेनी है ना, उसे थोड़ा सा ध्यान से चुनिएगा कि आपको 7 अलग अलग तरह की लहसुन की कलियां लेनी है और छोटी से बड़ी की तरफ हम अभी जाते रहेंगे, यानी कि पहले दिन छोटी कली, दूसरे दिन उससे बड़ी, तीसरे दिन फिर उससे बड़ी, और सबसे बड़ी जो कली है, जो इतनी बड़ी होगी, वो होगी आपकी इस्तेमाल 7वें दिन। यानी कि हम जिस्म में से चर्बी के निकलने की रफ्तार को ही बढ़ाते रहेंगे और जिस्म से चर्बी के निकलने को यकीनी बनाते चले जाएंगे। एक बात मेरी याद रखेगा कि जो लोग आपसे दूर हो रहे थे आपके मोटापे की वजह से, आपकी बदसूरती बना हुआ था ना, वो लोग आपके करीब भी आएंगे, बल्कि आपके मजाक उड़ाने की जो बात थी ना, ये जो मजाक बना हुआ है, अनहेल्दी जो लाइफ स्टाइल आपका, जो मोटापा है, वो आप नहीं रहेगा। याद रखिए कि इससे आसान रेसिपी शायद आपको कोई भी नहीं दे पाएगा। रोशनी सेंटर हम स्पेशलिस्ट हैं वजन कम करने की, खास तौर पर हमारी कई सारी वीडियोस पहले भी दी गई है। अपने जिस्मानी रूहानी अमराज लेकर लोग रोशनी सेंटर कराची में लोग मेरे पास आते हैं वजन कम करने के लिए। खास तौर पर है रोशनी वजन घटाओ कोर्स है, पूरा बना दिया, पूरे महीने का मुकम्मल कोर्स है, जो कि आप घर बैठे बैठे आसानी के साथ हासिल कर सकते हैं। इससे आपका कई किलो वजन सिर्फ और सिर्फ 1 महीने में कम होता है। आपको बस जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, इसे आपको भून लेना है। भूनते भूनते आप जैसे आप देखेंगे कि इसकी जो किनारियाँ हैं वो बादामी ब्राउन होने लग जाएंगी, तो समझ लीजिएगा कि आपका लहसुन इस वक्त तैयार है। ये दरअसल इसके अंदर एक कड़वाहट होती है, एक तेज़ी होती है, इसकी गर्माश होती है। इसे हमें भूनने की सूरत में उसकी जो कड़वाहट है, जो गर्माश है, वो नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ लहसुन की हमें असल तासीर मिलेगी। आपके जिस्म में हर तरफ जहाँ जहाँ कहीं भी चर्बी जमी हुई है, समझ लीजिए कि रगों को खोलने के लिए और खून के दौरान खून को पतला करने के लिए है। जैसे ही खून पतला होगा, आपके खून का दौरानिया भी बेहतर होगा और ब्लड की सर्कुलेशन बेहतर होने की सूरत में आपकी चर्बी पिघलेगी ना, सिर्फ उसके बाद कोलेस्ट्रॉल कम होगा। कोलेस्ट्रॉल कम होते के साथ साथ आपकी चर्बी तेज़ी के साथ नीचे जाना शुरू हो जाएगी और आपका वजन भी कम होना शुरू हो जाएगा। इस रेमेडी से आपका वजन कम होगा, आप सेहतमंद होंगे और ज़्यादा, आप ऐसे नहीं होगा कि आपके मसल्स लूज कर रहे हैं, मसल्स आपके बढ़ेंगे, बल्कि आपकी सिर्फ और चर्बी ही कम होगी। फिर जब ये कदरे लाल हो जाएगा, सुर्ख हो जाएगी, भुन जाएगी अच्छे तरीके से लहसुन, अब इसकी जो तासीर है, जो गर्माश है, वो ख़त्म हो गई, अब सिर्फ और सिर्फ अब इसकी शिफाई तासीर लेने का तरीका आपको बता रहा हूँ। आपको रोज़ाना 1 कली निकालनी है, इसे अभी आप चूल्हे से उतार लेंगे। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी वक्फ की है आप लोगों के मसले मसाइल सुनने के अंदर, मेरी पूरी ज़िंदगी गई है। आपके हाथ में भी अल्लाह ताला ने कुछ तवानाएँ दी है, इन बातों को उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाइए जिनको आपसे ज़्यादा इन बातों की ज़रूरत है। ये जो भुनी हुई लहसुन है, इसको आप गौर से देखिए कि जो छोटी थी, आपको छोटी से बड़े की तरफ जो है जाना है। इस तरीके से छोटी आपको लेनी है, पहले दिन ये इस्तेमाल होगी, फिर दूसरे दिन ये, फिर तीसरे दिन ये, चौथे दिन ये, इस तरीके से 7वें दिन आपको ऐसे बड़ी वाली कली इस्तेमाल करनी होगी। अब इसको इस्तेमाल करने का तरीका नोट कर लीजिए। अब इसकी शिफाई तासीर को बढ़ाने के लिए आपको जैतून का तेल लेना है, या आप कोई भी तेल ले सकते हैं। आपको इसे 1 हफ्ते तक ज़ाहिर है कि इस्तेमाल करना है, रोज़ाना की 1 कली इस्तेमाल करनी है। इतना तेल इसमें डालना है कि जितना के ये कलियाँ जो है उसमें ढक जाए। 1 हफ्ते तक छोटी से बड़ी आप कली रोज़ाना इस्तेमाल करेंगे, यानी कि जब तक ये ख़त्म होता रहेगा, फ्रिज के अंदर ये पड़ा रहेगा, और इसी तरीके से आप 7 दिन तक इसे आप इस्तेमाल करेंगे। आप जाइए कमेंट सेक्शन में, जाइए आज की तारीख लिखिए और आपका आज का वज़न लिखिए। 1 हफ्ते के बाद जो आपका वजन होगा, फिर आके मुझे दोबारा ज़रूर बताइएगा। रोशनी सेंटर कराची के अंदर बाकायदा दुआओं की लिस्टें बनती हैं, चाहिए जाके लिखते जाइए अपने पूरी फैमिली का नाम और आप किस मुल्क से हैं, साथ ही साथ मुझे ये भी बताइए। मेरा यकीन है और मेरा ईमान है कि अल्लाह ताला का नाम, अल्लाह का कलाम और दुरूद सलाम ही आपको शिफा देता है। अब वजीफ़ा इस नुस्खे के लिए नोट कीजिए, साथ ही साथ इसकी नीयत भी कर लीजिएगा। यह वजीफा या अल्लाह हो, या मुसव्विर हो, या अजीज हो। या मुसव्विर की नीयत क्या होगी कि अल्लाह ताला वो तकलीक दे आपको, ऐसा तकलीक कर दे जैसे आप स्मार्ट और स्लिम एंड स्मार्ट नजर आना चाहते हैं। साथ ही साथ हम पढ़ रहे थे या अजीज हो, यानी कि लोग आपकी इज्जत में इस नुस्खे के बाद और इस वजीफे के पढ़ने के बाद इज्जत में, इकराम में इजाफा हो। मोटापा सिर्फ सिर्फ एक बीमारी नहीं है, ये बहुत सारा एक मल्टी सिस्टम क्रिएट करती है। इसकी वजह से और ज्यादा मजीद बहुत सारी बीमारियां
इंसान को घेर लेती हैं। इस नुस्खे से आपको इंशाअल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखेगा। अगर आपको भी हो कोई रूहानी बीमारी जिसके बारे में करना हो सवाल या ज़िंदगी में हो कोई भी उबाल, तो मेरा डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर अपने पास ज़रूर सेव कर लीजिएगा। अल्लाह ताला इसी तरह खैर वाली करम वाली फजल वाली बातें हमें एक दूसरे तक पहुँचाने वाला बनाए। अल्लाह ताला हमें एक दूसरे के लिए फ़ायदे का बाइस बनाए। अल्लाह ताला हमें बहुत बहुत रोशनी फैलाने वाला बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।